इंडियाज फर्स्ट 5G स्मार्टफोन एक रेस सी लगी है कि हर कंपनी सोच रही है कि हम सबसे पहले इंडिया में 5G स्मार्टफोन लॉन्च करें। उसके अंदर रियलमी ने यहाँ पे जो है वो नंबर लगा दिया है। रियलमी ने अपना X50 Pro 5G स्मार्टफोन इंडिया में आज लॉन्च कर दिया है और अभी आगे चल के और भी स्मार्टफोन लॉन्च होंगे। आईकू का भी एक नया स्मार्टफोन आने वाला है जो कि 5G रेडी होने वाला है। इंडिया में 5G तो नहीं है फिलहाल के लिए, लेकिन साल भर तक का वक्त लग जाएगा। तो फिलहाल तो ये 5G रेडी हैंडसेट है, और मतलब क्या बनता है, जब तक 5G नहीं है तो 4G ही यूज़ करना पड़ेगा, और जब तक 5G आएगा तब तक और बहुत से स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हो जाएंगे। चलिए थोड़ा सा इस फ़ोन के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये दमदार फ़ोन है तो सोचा कि आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता दूं। तो ये जो फ़ोन है तीन वेरिएंट के साथ में आता है, 6GB 128 और 8GB 128, और जो टॉप एंड वेरिएंट है वो है 12GB और 256GB वाला। और इस फ़ोन की जो प्राइस है, जो बेस वेरिएंट है उसकी प्राइस है 38,000, दूसरा जो वेरिएंट है 8128 वाला उसकी प्राइस है 40,000, और टॉप एंड वेरिएंट की प्राइस है 45,000 रुपीज़, यानी 45,000। मेन चीज़ है वो है इसका प्रोसेसर, जो कि लेटेस्ट और फास्टर है, स्नैपड्रैगन 865 जो कि एड्रेनो 650 के GPU के साथ में आता है। और इस फोन का जो अनटूटू बेंचमार्क स्कोर है वो 580,000 से लेके 600,000 तक जाता है, जो कि इसका टॉप एंड वेरिएंट है उसका अनटूटू बेंचमार्क 600,000 तक जाता है। और ये गेमिंग के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि गेमिंग के हिसाब से जो आप पबजी वगैरह जो गेम खेलते हो हाई एंड ग्राफिक्स वाले, तो आप हाई सेटिंग्स के अंदर विदाउट एनी लैग बहुत ही अच्छे तरह से खेल पाओगे। तो गेमर्स के लिए तो ये फ़ोन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और ये फ़ोन के अंदर आपको जो रैम टाइप मिलती है ना वो लेटेस्ट है और फास्टर है, LPDDR5X की रैम है। स्टोरेज टाइप जो है वो आपको USB 3.0 की मिलती है, जो कि ये भी फास्ट है, तो इस फ़ोन को बहुत ज़्यादा फास्टर बना देते हैं। तो यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस है ना टॉप नॉच मिलेगा, और ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आपको इस फ़ोन से मिलने वाला है। तो प्राइस आपको पे करना पड़ेगा 38,000 से लेके 45,000 के आसपास, तो फिर आप ऐसे सभी फीचर्स यूज़ कर पाएंगे। इस फ़ोन के अंदर जो डिस्प्ले है ना वो है 6.44 इंच का सुपर एमोलेड फुल HD+। इसका जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 92% का है, साथ ही में इसमें आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, और इसमें आपको HDR10 तक का सपोर्ट भी मिल जाता है। और ये जो फोन है इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का रेजोल्यूशन मिल जाता है, ड्यूल पंच होल डिस्प्ले है, साथ ही में इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है। तो डिस्प्ले इसका बहुत ही वाइब्रेंट है, लाजवाब है, क्योंकि HDR10 का सपोर्ट है, 90Hz का रिफ्रेश रेट है, और एमोलेड स्क्रीन है। तो यहाँ पे डिस्प्ले के मामले में कोई शिकायत नहीं होने वाली, लेटेस्ट है और बहुत ही अच्छा डिस्प्ले इसका रहने वाला है। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो बिल्कुल प्रीमियम है, क्योंकि ग्लास बिल्ड है, साथ ही में मेटल की फ्रेम है। अब तक जो रियलमी के डिवाइस थे, जो भी X2, X2 Pro हो, जो भी हो, उनमें आपको ग्लॉसी फिनिशिंग मिलती थी ग्लास में, लेकिन यहाँ पे इस बार आपको रियलमी जो ग्लास रहेगा उसमें आपको मैट फिनिश देखने मिलेगी। दो कलर इसमें आपको मिल जाते हैं, रस्ट रेड और मॉस ग्रीन। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा कलर ऑप्शन आपको देखने मिल जाता है, और यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास 5 रेजोल्यूशन आपको रियर में भी देखने मिल जाती है। तो प्रीमियम फ़ोन है, और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ही प्रीमियम है। इसका जो वेट है वो 200 ग्राम के ऊपर जाता है, तो ये फ़ोन थोड़ा मोटा भी है और थोड़ा हेवी भी है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन ये फ़ोन की जो क्वालिटी है बहुत ही प्रीमियम है, लेकिन ये थोड़ा सा जाड़ा है, यानी कि थिक फ़ोन है और थोड़ा हेवी फ़ोन भी है। बात करते हैं कुछ बेसिक फीचर्स की, तो इसमें आपको हेडफोन जैक देखने नहीं मिलता, साथ ही में मेमोरी कार्ड लगाने का कोई ऑप्शन आपको देखने ही नहीं मिलता। 2 नैनो में आप इसमें लगा सकते हो, मेमोरी कार्ड लगाने का कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलता, तो आपको यहाँ पे जो इंटरनल स्टोरेज उससे काम चलाना पड़ेगा। साथ ही इसमें जो स्पीकर्स है ना वो आपको टॉप में और बॉटम में 2 जगह देखने मिलते हैं। स्टीरियो स्पीकर्स है, डॉल्बी एटमॉस का आपको सपोर्ट मिल जाता है। बैटरी सुनने मिलती है 4200 mAh की, यानी 4200 mAh की। और यहाँ पे एक ट्विस्ट है, इसका जो चार्जर है वो सुपर फास्ट 65W का है, तो 0 से 100% चार्जिंग करने के लिए सिर्फ 35 मिनट्स का वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे चार्जर का स्पीड सच में मॉन्स्टर है, बहुत ही फास्ट तरीके से चार्जिंग करेगा। तो कैमरा की बात करें तो उसमें आपको क्वाड कैमरा सेटअप है रियर में, और यहाँ पे जो प्राइमरी कैमरा है 64 मेगापिक्सल का है, सैमसंग GW1 का सेंसर है, 8 का वाइड लेंस वाला कैमरा है, 2 का डेप्थ कैमरा है, और साथ ही में 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस वाला कैमरा है। और सेल्फी आपको मिलती है 32 मेगापिक्सल की, जिसमें आपको Sony 616 का सेंसर मिल जाता है, और यहाँ पे जो 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस भी है, जो कि ड्यूल पंच होल जो डिस्प्ले आपको मिलता है उसमें आपको ये 2 कैमरा सेट किए गए। तो यहाँ पे कैमरा भी बहुत अच्छे, इसमें आपको 4K रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिलता है रियर में 30fps पे, साथ में नाइट मोड आपको रियर के साथ ही साथ फ्रंट में मिल जाता है, और EIS का सपोर्ट आपको रियर और फ्रंट में भी है। तो यहाँ पे कैमरा में बहुत से ऑप्शंस है, जो स्लोपी का ऑप्शन है, यानी कि सेल्फी कैमरा के अंदर भी जो फोटो और वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो वहाँ पे स्लो मोशन आता है, तो वो भी आपको इसमें मिल जाता है, जो कि एक नया फीचर है। तो बहुत से कैमरा में बहुत से आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। और ये जो रियलमी X50 जो है वो एंड्रॉयड 10 और रियलमी UI के साथ में आता है, तो यहाँ पे कलर OS नहीं है, रियलमी की खुद की UI जो है यहाँ पे इस बार यहाँ पे इनबिल्ट डाली गई है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये फोन बहुत ही पावर पैक्ड है और बहुत ही जबरदस्त।